कोटा के कुसमुंडा सामुदायिक भवन में शहीद नमन दिवस पर एक दीप शहीदों के कार्यक्रम का आयोजन भारत जागृति मंच द्वारा किया गया। इस मौके पर भारत जागृति मंच की महिला सदस्यों ने भारत के नक्शे की आकर्षक रंगोली बनाई। देश की रक्षा में तैनात शहीद जवानों को दीप जलाकर नमन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी सहित देश की सुरक्षा में तैनात जवान शामिल हुए। आज 23 मार्च को शहीद नमन दिवस में हमारी सभी कॉलोनी की महिलाओं ने बहुत सहयोग किया और ये भारत जागृति मंच की तरफ से सभी शहीदों को 23 मार्च को नमन किया जाता है। इसमें महिलाएं मेरी बहनों ने बहुत मदद की है। सुबह से हम लोग यहाँ पर आकर के भारत माता भारत का एक चित्र बनाए जिसमें रंगोली वगैरह डाले उसको दीपक से सजाए और इसमें सभी ने हमारी कॉलोनी मोहल्ले के सब गणमान्य लोगों ने आकर यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया और सभी शहीद नमन दिवस को अच्छे हर्षोल्लास से मनाए और सभी शहीदों को दिल से उनको नमन किया। कुसमुंडा क्षेत्र में शहीद दिवस के भारत जागृति मंच की ओर से मुझे सम्मानित किया गया, बोलने का मौका मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हर फौजी भाइयों को के साथ अगर हमेशा ऐसे ही होते रहे तो ये उनका भी ये हौसला अफजाई होगा, अच्छा लगेगा। उनकी भी जो अंदर आत्मा है वो भी मतलब उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो जागृति मंच जो हो रहा है ये अच्छा हमेशा होते रहे, ये निरंतर होते रहे, इसके लिए मुझे तन मन धन जो चीज़ भी आवश्यकता पड़ेगी मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। हम सभी फौजी भाई सेवा करने के लिए ये तैयार हैं। इसके लिए जय हिंद जय भारत। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए मनहरण साहू की रिपोर्ट।